Assalamualaikum, everybody. You're watching Girls Republic only on ARY Music. YOLOU, only live once. We are going live right now. Call kar sakte hain numbers aapke screens par. Aur uske saath koi bhi aapko feedback dena ho de sakte hain. facebook.com/regionaltaf pe jaake. And yes, jaise ki aap sab dekh sakte hain ki aaj maine jo shirt pehni hai uske upar likha hua hai unstoppable. Yani ki zindagi mein aapko rukna nahi chahiye, kabhi aapko aage badhte rehna chahiye zindagi chahe kitni bhi mushkil ho jaye. Aur usually main aise shirts khareedti nahi hu jin pe kabhi kuch captions ho ya jin pe kuch likha hua ho. लेकिन मुझे ये शर्ट जरा अच्छी लगी, आई फाउंड इट वेरी डिसेंट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये शर्ट खरीद लूं जिसके ऊपर लिखा हुआ है अनस्टॉपेबल. यानी कि आज हम आपको देने वाले हैं अनस्टॉपेबल गिफ्ट्स, और आज हमारा जो शो है वो होने वाला है काफी अनस्टॉपेबल. एक घंटा अनस्टॉपेबल शो आज हम करेंगे. और यस, काफी सारे हमारे पास क्वेश्चन जिनके आपको जवाब देने हैं आज. जब आप जवाबों के नहीं, सवालों के जवाब सही देंगे तो आप खूब सारा बैलेंस सॉरी गिफ्ट यहाँ से लेकर जाएंगे. यहाँ दिमाग की घंटी है, मैंने शुरू कर दिया. बट एनी वेज, आज एक दो तीन चार पांच छह अच्छा, बाय द वे आज काफी आसान सवाल आते हैं. कल तीन आसान सवाल आते जो मैंने इनिशियली कर लिए थे, और जब तक तो हुमैरा आई थी तब तक बहुत मुश्किल मेरे सवालात हो चुके थे. लेकिन आज जो है काफी आसान सवालात हैं, तो आप सब कॉल कर सकते हैं और कॉल करके इन सारे सवालात के जवाब दीजिए, ताकि आप खूब सारा जो है वो गिफ्ट्स लेके जाइए. हेयर ड्रायर, जूसर एंड आयरन, क्रिम्प, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लेके जाइए और जाकर आराम से अपने घर पे यूज कर सकते हैं. अप्लायंसेज हैं, कपड़े हैं, वाउचर्स हैं लार्टे की तरफ से, और बहुत जल्द हम आपको ऐसे वाउचर्स भी देंगे जो रेस्टोरेंट्स के होंगे, होपफुली जहाँ पर जाके आप बहुत सारा खाना खा सकते हैं. क्योंकि जो हम कराची के लोग हैं या लाहौर के लोग हैं, हमें खाना खाने का क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक है, हम काफ़ी फूडी हैं इन मामलात में कि हमें खाना खाने का शौक है, हमें खाने खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमें मज़े मज़े के खाने अच्छे लगते हैं. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी. तो इसी तरीके से बाय द वे चॉकलेट्स भी हैं आज काफ़ी सारी, तो अगर किसी को चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं आप चॉकलेट्स भी लेके जा सकते हैं. अगर आप लोगों ने चॉकलेट्स नहीं ली आज तो डाउट्स तो नहीं, मुझे शक है अपने ऊपर कि शायद इनमें से एक चॉकलेट का डब्बा मैं ले जाऊं, एक चॉकलेट का डब्बा जो है वो शफीक भाई ले जाएंगे, एक चॉकलेट डब्बा अर्शद भाई ले जाएंगे, एक सलमान क्यों लेके जाएगा? सलमान ने अभी भी बड़ी मुश्किल से वेट लूज किया है, सलमान लेके नहीं जा सकते. लेकिन ये हम सब जो है वो लेके जा सकते हैं, हम सब खा. बाय द वे, मुझे चॉकलेट्स खाने का इतना शौक नहीं है, मैं ये चॉकलेट्स अपनी दोस्त को दे दूंगी, क्योंकि उसने एक दफा मेरा शो देखा, वो मुझे कहती है कि तुम्हारे शो पे तो चॉकलेट्स रखी हुई थी, और वो पता नहीं उसने आई थिंक उसमें से कोई इसका फेवरेट ब्रांड था, और उसने कहा था कि मुझे वो वाली चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती है. सो मैंने बोला अच्छा, तो कहती मुझे ला दोगी? मैंने कहा यार शो से तो लेके नहीं ला सकती, लेकिन तुम अलग से खरीद के मैं दे दूंगी. बट ये कॉल कीजिए 02132563705 पे, जल्दी से एक कॉल ले लेते हैं. हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हूँ, कहाँ से? मैं लाहौर से किंजा बात कर रही हूँ. लाहौर से किंजा, किंजा आपने कल भी कॉल किया था हमें. जी जी, अब मैंने जवाब गलत दिया था, लेकिन बाद में मैंने मैसेज कर दिया था, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला था यार. क्योंकि जो मैसेजेस कर रहे हैं उनमें से कोई एक लकी विनर होगा जिसे गिफ्ट जाएगा. ठीक है, आप ही, मैंने ना कुछ रात को कुछ बैठ के लिखा है, मैं आपके प्रोग्राम में सुनाना चाहती हूँ, पहले वो सुना लूँ? हाँ 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 बिल्कुल. जब से होंठों पे यार अब तेरा नाम है, तेरे बीमार को काफी आराम है, तूने बख्शा हमें नूरे इस्लाम है, हम पे तेरा हकीकी ये इनाम है, जिसको तेरी खुदाई से इनकार है, बादशत में रह कर भी नाकाम है, टूटता है जमाना गरूर, जाए राजी करना तुझे बस मेरा काम है. ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे फेवरेट मुझे आखिरी शेर लगा के तू रूठ जाए लेकिन तुझे मनाना मेरा काम है. वेरी नाइस. अच्छा क्या मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे? अच्छा यार, सवाल का जवाब तो दे दो. अगर आप ये अगर गलत भी हो जाए तो दे दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से लिखा ये. हेलो. अच्छा अच्छा, पूछ रही हूँ. अच्छा सवाल है कि कौन सा इस्लामिक 12 महीनों के नाम पता है? जी जी पता है, सुना दो. अच्छा बीच में कुछ गलत भी हो गया तो फिर हाँ हाँ भाई, बारह बता दो. बहरम, सफर, बहरम सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल थानी, शवाल, आगे पीछे कर लूँ मैं? आगे पीछे हो रहा है. शवाल, शुबान, रमजान, जमादुल अव्वल, जमादुल थानी, ज़ीकत, ज़ीहज, और एक रह गया आपी. यार अभी कौन सा महीना चल रहा है? ये रमजान.
शवाल रमजान चले यार नहीं शीशी डिड रियली वेल एंड आई थिंक इसको इस्लामिक महीने पता था ये भी बहुत बड़ी बात है लोगों को आज इस्लामिक महीने ही पता नहीं होते हैं ठीक है हाँ हम किंजा का नंबर हम नोट डाउन कर रहे हैं ठीक है किंजा आपको गिफ्ट पहुंच जाएगा अल्लाह हाफिज तो ये थी किंजा तो किंजा ने जो है वो जवाब बिल्कुल ठीक तो नहीं दिया थोड़ा सा सीक्वेंस में उसको प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन कम ऑन यार मुझे तो जनवरी फरवरी वाली सीक्वेंस में मैं कभी कभार कंफ्यूज हो जाती हूँ लेकिन चलो कोई बात नहीं एटलीस्ट 12 महीनों के नाम तो मैं बता ही दिए काफी सारे और क्वेश्चंस हैं और कल क्योंकि जो है हमारे काफी सारे कॉलर्स नाराज भी हो गए थे कि हमने बहुत मुश्किल सवालात उनसे पूछे लेकिन हमारी दफा आज पूरी कोशिश होगी कि हम आसान सवालात पूछें और कुछ नहीं और बाय द वे कल आई थिंक हमारे पास एक कॉलर आई थी जो 7 साल की थी 8 साल की थी इसी किस्म की कोई उम्र थी और उनसे हमने कुछ नहीं पूछा हमने उनसे सिर्फ बातें की इधर उधर की हमने उनको गिफ्ट दे दिए लेकिन यह मुझे समझ नहीं आ रहा किसी को चॉकलेट्स क्यों नहीं चाहिए वैसे तो मैंने देखा कि लड़कियों को चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती हैं तो अगर आप लोग को चॉकलेट्स चाहिए आप लोग चॉकलेट्स भी ले सकते हैं बाय द वे हमारे पास ड्रायर भी है और काफी सारी और चीजें और मुझे जरूर बताइएगा कि किस किस के घर अभी लाइट आ चुकी है किस किस के घर लाइट नहीं है क्योंकि हमें तो कल रात लाइट ने बहुत तंग किया है और अल्लाह माफ करे मेरी नींद अभी पूरी कैसे हुई भी मुझे समझ नहीं आ रहा है या फिर हो सकता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा हो कि मैं सोई नहीं हूँ लेकिन हो सकता है कि मैं सो गई हूँ सोते हुए आपको पता नहीं लगता कि आप सो रहे होते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद मैं एक एक दो दो घंटे के लिए सो गई थी तो आई थिंक शायद मेरी नींद पूरी हुई है क्योंकि मैं जब शो करके वापस भी गई तो मैं घर पर बैठी हुई थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी एंड देन आई केम बैक आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी राइट नाउ तो मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही सो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक इफ्तार के बाद मुझे नींद के झोंके आना शुरू हो जाएंगे विच इज़ अ गुड थिंग आई गेस कि यू नो आपको नींद जो आनी चाहिए वो आपको तकरीबन मगर के बाद ही आनी चाहिए प्रॉपर नींद जो होती है और जैसे कि मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं इफ्तार करते हैं फिर उसके बाद जाके डिनर कर रहे होते हैं मैं इफ्तार में डिनर कर लेती हूँ एंड देन जब इफ्तार में डिनर कर लेती हूँ और अगर मैं 12-1 बजे भी कुछ खा लूँ तो फिर मैं सहरी में ज़्यादा कुछ नहीं खाती मैं सहरी में ना आई जस्ट एक दूध पी लिया छुहारे खा लिए इस किस्म की चीज़ें जो है हो जाती हैं अच्छा किसकी कॉल है कॉल किसकी है कॉल हेलो हिजाब जारा हेलो हेलो हिजाब क्या हाल है ठीक आप कैसी हैं मैं ठीक हूँ हिजाब आपकी आवाज़ से बिल्कुल किंजा के जैसी है नहीं मैं हिजाब अच्छा हिजाब टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए हेलो जी हिजाब मुझे मुझे बताओगे क्या करती हो जी मैं स्टडी करती हूँ आई एम अ स्टूडेंट ठीक है आप क्या पढ़ रही हैं मैं टेंथ में पढ़ती हूँ टेंथ में पढ़ रही है ठीक है तो मुझे बताओ कि हिस्ट्री हिस्ट्री कितनी अच्छी लगती है हिस्ट्री में कितने अच्छे मार्क्स आते थे तुम्हारे हिस्ट्री बिल्कुल नहीं अच्छी लगती ओ तुमने पहले कभी कॉल की गर्ल्स रिपब्लिक में पहले कभी कॉल की है नहीं की ठीक है हिजाब तुमसे हम सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान की रेनियस्ट सिटी कौन सी है ऐसी कौन सी सिटी जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है रेनियस्ट ओ कॉल ड्रॉप हो चुकी है टीवी का वॉल्यूम मुझे एहसास हो रहा है टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं है क्योंकि वो जो मेरी सारी आवाज थी वो टीवी में सुन रही थी जस्ट मेक श्योर जब भी आप हमें कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दिया जाए बल्कि टीवी बंद कर दिया करें लेकिन अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरह कहीं मत जाइए देखते रहिए गर्ल्स रिपब्लिक ऑन एआरवाई म्यूजिक Welcome back. You're watching Girls Republic only on ARY Music. Wow, hello, you only live once. You're going. Not you people are not going live. We are going live. कॉल कर सकते हैं 02132563705 पे बहुत सारे गिफ्ट हमारे पास हैं कपड़े हैं चॉकलेट्स हैं जूते तो नहीं है हमारे पास लेकिन जूते आप जाकर खरीद सकते हैं वो कैसे हम आपको देंगे वाउचर्स और वाउचर्स के थ्रू आप जाके शूज हासिल कर सकते हैं वी हैव लॉट ऑफ ज्वेलरी वी हैव रिंग्स वी हैव इयररिंग्स वी हैव ब्रेसलेट वी हैव वॉचेस वी हैव परफ्यूम्स बॉडी स्प्रेज हेयर ड्राई आयरन क्रिम्पर एंड व्हाट नॉट आप पूरे अपने घर को भर सकते हैं तोहफे से लेकिन तरीका सिर्फ ये है कि आपको देना पड़ेगा हमारे आसान सवालों के जवाब जैसे मेरे हाथ में मजे की साउंड बन रही थी बाय द वे ये बात मैं कॉल के बाद बताऊंगी कॉल लेते हैं पहले हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रही है सायरा सायरा फिर से सलाम वालेकुम करके दिखाओ जी फिर से सलाम करके दिखाओ क्या करके दिखाऊं सलाम 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 वालेकुम यार तुम्हारा सलाम तो बिल्कुल मेरे जैसा है
क्योंकि जब मैं भी किसी को सलाम करती हूँ ना, तो मेरे दोस्त बोलते थोड़ा और स्टाइल मार के सलाम कर लेती, मैं कहती हूँ नहीं यार मैं स्टाइल तो नहीं कर रही थी, ये नेचुरली ऐसा हो जाता है। लेकिन तो मुझे तुम्हें कभी किसी ने कहा कि तुम्हारा सलाम कुछ ऐसा है? जी किस किसने बोला है? कजन नहीं बोला, कजन ने, कजन ने बोला। अच्छा आप कहाँ से कॉल कर रही हो? गुजरावाला से। गुजरावाला का मौसम कैसा है? ये ठंडा है। ठंडा है जी। बारिश हो रही है? जी थोड़ी सा नहीं हुई थी। चलो एटलीस्ट हमारे मौसम तो अच्छा हो ही गया सलमान भाई, चले एटलीस्ट इतनी तो नेमतें आ गई हैं हमारे पास। मतलब नेमतें तो वैसे ही अल्लाह की बहुत है, नेमतें और रहमतें हमारे सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मौसम अब क्योंकि बेहतर हो चुका है। बाय द वे मेरे जो शेड्स हैं ना, मेरे शेड्स हैं लाइट ब्लू कलर के, तो जब मैं लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि बारिश का मौसम हो रहा है, तो वो जरा मेरे दिल को ठंडक पहुंच जाती है वो शेड्स लगा के। अच्छा पूछ रही हूँ क्वेश्चन भी। क्वेश्चन जो है वो आपका वो ये है कि आपको बताना है कि पाकिस्तान्स मोस्ट ब्यूटीफुल लेक, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झील का नाम बताइए। खूबसूरत झील का नाम? जी ये तो बहुत मशहूर झील है यार। लेक सैफुल मुल्क। आपका जवाब मैंने लॉक कर लिया है। ठीक है हम आपको शो के आखिर में बताएंगे, मेरी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी अगर आपका जवाब ठीक हुआ। सही है अल्लाह हाफिज। डेढ़ साहब मुझे कंफर्मेशन तो लेने दिया करें ओके या नहीं है ओके, मतलब बेचारी वो इतनी जल्दी ये लोग कॉल रखते हैं, आई थिंक ये लोग कॉल बहुत जल्दी रख देते हैं कि यू नो फॉरन वो लोग होता है। ओ मुझे कंट्रोल रूम से आवाज आई कि कॉल खुद ही ड्रॉप हो जाती है। सो आई थिंक थोड़ा सा ख्याल रखा करें यू नो कि एटलीस्ट जब मैं कंफर्मेशन आपसे मांग रही हूँ तो एटलीस्ट आप मुझे बोलें कि हाँ जी अच्छा ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद जो होते हैं वो हमारे जितने भी व्यूअर्स होते हैं वो बहुत शिकायतें कर रहे होते हैं कि भाई हम तो यू नो हमें तो बताया नहीं किसी ने, फिर से बता दूं फिर से बता दूं फिर से बता दूं। बाय द वे हमारे गेस्ट कितने डिस्पैच हो चुके हैं? हम कुछ कुछ हमारे गिव डिस्पैच हो गए, अभी और रहते हैं राइट, काफी सारे और रहते हैं, काफी सारे और हमारे गिव्स रहते हैं जो डिस्पैच होना अभी भी बाकी हैं, और वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और अभी जो हमारे गिव्स जो हैं वो ईद के बाद मिलेंगे, ईद से पहले ही मिलेंगे, ईद से पहले पहले आप सबको अपने अपने गिफ्ट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम जो है वो गिफ्ट्स देते रहे, और एकदम से मुझे ऐसा लगा है कि सेट पे सन्नाटा हुआ और एसी बंद हो गया है, बट चले कोई बात नहीं, मतलब हम एसी ऑन हो गया ये जो हमारी जो गेम्स है हमारे सेट पे चलते रहते हैं, कभी एसी ऑन होता है कभी एसी ऑफ होता है, बट चले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चीजें तो चलती रहेंगी जिंदगी के अंदर, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अरे सलमान हमारे जो कैमरामैन उनसे मेरी बात हो रही थी, तो हमारे घर वो मुझे बता रहे थे कि 8 बजे आई गई लाइट, फिर 10 बजे आई, 10 बजे गई, फिर 11:30 बजे आ गई, फिर 1:30 बजे गई, 1 बजे आई, पता नहीं क्या 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 चल रहा था। तो ये जो आंख मचोली है ये लाइट की चल रही है, ये तो फिर भी सही है, 1 घंटे का गैप था आपके पास। मेरी दोस्त के घर 5-5 मिनट के लिए 4 दफा लाइट आई है, तो मैंने कहा कि सुनो तो फिर तुम इस चक्कर में अपना फोन ही चार्ज पे लगा ली, कम से कम 20 मिनट के लिए फोन तो चार्ज हो ही जाता है इंस्टॉलमेंट में। लेकिन ये जो चीजें हैं ये अच्छा, वैसे मुझे लाइट जाने से मुझे इतना इशू नहीं है अगर लाइट्स के टाइमिंग जो है ना वो फिक्स हुए हुए हो कि यार 12 से 1 जाएगी या 5 से 6 जाएगी, वैसे लाइट तो जाती है हमें तब भी चिड़ी होती है, लेकिन एटली जब आपको टाइमिंग पता होती है ना कि यार 12 से 1 जाएगी, तो आपने सारे काम वाम करके रख देते हो यू नो कि आप जो है एंड जिस एरिया में मैं रहती हूँ तो लाइट नहीं जाती। और मैंने अपने अब्बू को बोला भी था, मैंने कहा अब्बू मुझे लग रहा है कि अभी ना ये लाइट जाने का जरा सिलसिला शुरू हो चुका है, तो हमें ना एक जनरेटर ले लेना चाहिए। अरे बेटा कभी कभार लाइट चली जाती है, कोई बात नहीं, अब कल जब लाइट गई है ना मेरे वाले साहब घर से बाहर गए मेरे अब्बू से घर पे नहीं बैठा गया, कह रहे मैं जा रहा हूँ बाहर, जिसको चलना है मेरे साथ चल लो। तो मैं और मेरा भाई तो हम बड़े सोतू हुए हुए थे, तो मेरा भाई तो कह रहा है मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ, और मैं भी सो गई थी, मैंने कहा मैं भी सो रही हूँ, तो हम तो दोनों सो गए थे, और मेरे अब्बू तो चले गए होंगे कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए, कुछ उनको गर्मी लग रही थी वजह भाई मैं तो नहीं रह रहा घर पे, सो मेरे अब्बू भी चले गए थे, मेरी मम्मी भी साथ में उनके साथ चली गई थी। सो ये है, लेकिन अब तो मैं अपने घर वालों को ना जनरेटर दिला के छोड़ूंगी, ये मैं अपनी मांगे जो है ना घर में पूरी करवाऊंगी, क्योंकि जो ये बड़ा जरूरी है, अगर मेरे वालिद साहब ने दिला मैं खुद ही खरीद लूंगी चाहे कितना बड़ा जनरेटर, अपने घर पे रख दूंगी लाके। चलें एक कॉल लेते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हूँ कहाँ से? जी मैं नायला बात कर रही हूँ कराची से। नायला क्या हाल है?
अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मेरी एक टीचर होती थी मिस नायला, जब मैं स्कूल में होती थी, और मेरा 3 पेज का चैप्टर होता था, और मेरे एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में सिर्फ 5 वर्ड्स एंड मीनिंग्स आते थे, और वो मेरी टीचर मेरे हर चैप्टर में से 100 वर्ड्स एंड मीनिंग्स मुझे याद करवाती थी, हर चैप्टर में से 100। अच्छा जी जी, अब अंदाजा लगा कितना टॉर्चर था मेरे लिए। लेकिन मैं ऐसी नायला नहीं हूँ। क्या पता मुझे, क्या पता हूँ, क्या पता आप इंग्लिश में नहीं उर्दू में टॉर्चर देती हो। नहीं नहीं, देखिए सब नायलाओं में फर्क होता है ना। नायलाओं में नायला जितनी। अच्छा, लेकिन वैसे आपके शो में फर्स्ट टाइम कॉल मिली है, मैंने आपका शो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, मजेदार लग रहा है। गिफ्ट की वजह से, गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना, फर्स्ट टाइम कॉल के बच्चे को बनता है। चलाक चलाक चलाक, वैसे यार ये तो बात सच है। मेरी बेटी छोटी में बड़ा मम्मा कॉल मिला है, मम्मा कॉल मिला है ना। ओ नाया तो आप, माशाल्लाह यू आर अ मदर। जी 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 जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है नाया, तो फिर हमसे सवाल पूछते हैं, क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है इंशाल्लाह। आपको जो सवाल है वो ये है कि पूछिएगा कि मैं यार बहुत आसान है, ठीक है बहुत आसान है। मुझे बता दीजिए कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जिधर मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है? बहुत आसान है, हलवा क्वेश्चन है, सूजी का हलवा। पाकिस्तान? हाँ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया से ज्यादा, इंडिया में ज्यादा मुसलमान है पाकिस्तान से, पता है आपको? अच्छा, तो ये पाकिस्तान तो नहीं है। अच्छा, कोई ऑप्शन दे दे यार, बहुत आसान है यार ये। आप इंडिया से बोले, इंडोनेशिया। मैं आपका सवाल लॉक कर रही हूँ, जवाब लॉक कर रही हूँ। किसने बताया जवाब है? किसने बताया जवाब? ये मैं घर में अकेली हूँ, मेरे दो बच्चे छोटे छोटे 2-3 साल के, मेरे माइंड में बस ऐसे जवाब दे के इंडोनेशिया हो सकता है। कैसे? बस आपने जिस तरह बोला ना इंडिया में तादाद ज्यादा, तो मैं क्या हो सकता है इंडोनेशिया में ज्यादा मुसलमान की तादाद। मलेशिया क्यों नहीं? आप कंफ्यूज नहीं कर रहे, पता नहीं सही है या नहीं। या चलो मैं लॉक कर रही हूँ इंडोनेशिया, सही है? देखिए अगर सही नहीं हुआ तो फिर गिफ्ट नहीं आएगा। नहीं नहीं, मैं इंडोनेशिया लॉक कर रही हूँ, सही है? चलिए अच्छा ठीक है, करते हैं। कोई और सवाल नहीं पूछेगी? नहीं यार, बस कितने सवाल पूछूं। अच्छा ठीक है, एंट्री टेस्ट थोड़ी हो रहा है। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह को और सवाल नहीं पूछेंगे, यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। चले अभी जा रहे हैं हम एक ब्रेक की, तो कहीं मजा आइए, देखते रहिए गर्ल्स रिपब्लिक। ARY people, you are watching Girls Republic only on ARY Music, call us 0213256-3705। अभी मैं एक चीज करके दिखाई थी, मैं ये करके दिखा रही थी, इससे मुझे याद आया कि बहुत थोड़ी ना बात करने वाली बात है शो पे, लेकिन चलें बोल लेती हूँ, सबने किया वो अपनी जिंदगियों में। वो ये कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल में हम क्या करते थे, हम जूस पीते थे डब्बे में, जब वो आता था हम क्या करते थे, उसमें हवा फुलाते थे, उसको रखते थे और उसको शू से हम मारते थे और फटाक करके आवाज आती थी। तो आपने किए? आपने शेरा भाई आपने किए? शेरा भाई आशिरा भाई आपने नहीं किया? शेरा भाई को समझा दीजिएगा मैं क्या बात कर रही थी। अच्छा, लेकिन ये रिवायती चीज और ये सब ने की हुई होती है। अगर ये कोई चीज नहीं कर पा, कोई ये चीज नहीं कर पाता था तो उसको जो है हम कहते थे कि यार तुम्हें तो यही नहीं करना आ रहा है, कितना आसान काम है। सो कुछ लोग जोर जोर से बात कर रहे हैं और ये बहुत कंट्रोल रूम से बाहर भी आ रही है आवाजें। सो प्लीज जरा कंट्रोल किया जाए। एनीवेज, आज हम बात कर रहे हैं काफी सारी चीजों के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं चॉकलेट्स के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, जिसपे जो है मुस्तकिल मेरी नजर भी रहती है। बाय द वे, आजकल मैं अपने हाथों पे मेरे कट्स लग गए बड़े खतरनाक किस्म के। वो ये कि ये तो मेरे लग गया था कि जब मेरा दरवाजा उंगली में, दरवाजे में मेरी उंगली आ गई थी, और आज भी मेरे एक हल्का सा कट यहाँ पे पड़ा हुआ है। आज ही मेरे हल्के से यहाँ पे कट पड़ा हुआ है। ये हुआ था कि दरवाजा जब बंद हो रहा होता है, दरवाजे के बंद होते वो एक रिंग टाइप कुछ लगे हुए होते हैं, वो जो बंद हो रहा होता था, तो उसमें मेरी उंगली आ गई थी। बिल्कुल दरवाजा बंद हो गया, तो बिल्कुल बंद हो गया था। तो मुझे अभी याद है जब मैंने अपनी उंगली निकाली थी तो मेरी उंगली पूरी टेढ़ी हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि अगर शायद और इस पर प्रेशर डाल दिया था
मोस्ट पड़ी मेरी उंगली कड़े आती, टूट जाती, डैमेज जाती, फ्रैक्चर होती, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता मेरी उंगली के साथ. लेकिन आई थिंक दैट वाज अ पॉइंट आई एक्चुअली वांटेड टू क्राई, बिकॉज़ यूजुअली मैं दर्द से नहीं रोती अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन वो पॉइंट था कि मैंने बोला कि यार मम्मी जी बड़ी जोर की लग गई है. बट जो है ये सारी चीजें हैं. और एक और कट मुझे कैसे लगा कि जो है मैं जो है मिल्क का डब्बा जो अपने लिए काट रही थी, तो मैं सीजर ढूंढ रही थी, मुझे सीजर नहीं मिली, तो मैंने कहा नाइफ से काम चला लेती हूँ. तो मैं नाइफ से काट रही थी और इनसे वो आखिरी वो एज रह गया, तो मैंने हाथ में हटाया और मैंने उसको छोड़ा, तो यहाँ से आके मेरी छुरी यहाँ लग गई और फिर मैं यहाँ से भी छिल गया. तो मैं रात में बैठी ही सोच रही थी ऐसे ही कि मैंने कहा कि यार मैं कुछ ज्यादा जख्मी नहीं करने लग गई हूँ अपने आप को, तो जरा मुझे कंट्रोल कर लेना चाहिए इन चीजों को. चले एक कॉल लेते हैं. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही हूँ, कहाँ से? मैं आमना जन्म से बात कर रही हूँ. कैसे हैं आमना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आमना. कल भी कॉल किया था हमें? कल नहीं किया था, दो दिन पहले किया था. दो दिन पहले तो शो ही नहीं था यार. दो तीन दिन पहले ही, मतलब तीन दिन पहले भी शो नहीं था. लास्ट वीक को दो तीन दफा फोन किया था मैंने. पहले सोचो तुमने कॉल कब की थी. सॉरी, रोजे की वजह से याद नहीं. और नहीं यार, मैं तुम्हें ऐसी तंग कर रही थी. इतना डरा मत करो, ठीक है? और okay. ना ही कंफ्यूज हुआ करो. अच्छा आमने मुझे बताओ कि जब पहले कॉल की थी, जीती थी या हारी थी? तीन दफा गिफ्ट विन किए थे लेकिन वो मिले नहीं अभी तक. आ जाएंगे. तीन गिफ्ट जीत चुकी हो? मतलब क्वेश्चन के लिए जो पहले आपने वैसे गिफ्ट करती. यार तीन तोहफे थे लेकिन तुम फिर भी जीत चुकी हो यार. लेकिन मिले तो नहीं है ना यार. वो मेरी गारंटी है तुम्हें मिल जाएंगे. तो ये तो मेरी अपनी मेहनत और लक. यार क्या क्या जीती हो? एक रिंग थी, एक हेयर ड्रायर था और एक चॉकलेट. जबरदस्त. तुम्हारी चॉकलेट मैं लेके चली जाऊँ, यहाँ पे पड़ी हुई है जी. तुम्हारी चॉकलेट मैं लेके चली जाऊँ? ले ले, आपसे अच्छी है चॉकलेट. बहुत दिल कर रहा है यार, ले जाओ. ले जाए. चले मैं जब लेके जाऊंगी ना फिर तुम लोग मुझे मारोगे. चलो बिल्कुल भी नहीं. आमना सवाल जो है वो ये है कि वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट आइलैंड, दुनिया का सबसे छोटा जजीरा कौन सा है? क्वेश्चन चेंज कर दे प्लीज. यार अब मैं इतने क्या मतलब गिने चुने सवाल आ, उसमें से मैं क्या चेंज करूं? जल्दी जवाब दे दो. जजीरा दुनिया का सबसे छोटा जजीरा है. सॉरी अब क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकती. नहीं जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है. सॉरी नहीं आ रहा. चलो कोई बात नहीं, ऑलरेडी तुम तीन गिफ्ट जीत गए यार, तो उसमें कोई अफसोस वाली बात अब होनी नहीं चाहिए. ठीक है सही. और आज विजय बैक क्यों नहीं आई? आज यार सब दुआ करें कि विजय बैक्स की तबीयत ठीक हो जाए. इंशाल्लाह शी विल जॉइन अस फ्रॉम टुमारो. इंशाल्लाह. और मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी. जी जी शेर. जी जी. मेरा उस शहरे अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं. चलो थैंक यू, बाय बाय. चले तो ये थी आमना, और आमना ने हमें कॉल की थी 02132563705 पे. और आप लोग जो है दुआ कीजिए यार कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी बारिश हो ताकि यू नो कराची का मौसम और अच्छा हो जाए. मेरे कभी कभी दिल करता है मैं जो है ना कुछ ऐसे कहीं ऐसे कोई मुल्क भाग जाए जहाँ पर बारिश होती रहे. वैसे फुकेट इस मामले में बड़ा अच्छा था जब हम एडवेंचर करने के लिए गए थे, वहाँ पे ज्यादातर वहाँ बारिश होती रहती थी. लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि वहाँ बहुत ही ज्यादा बारिश होती थी, और जब बहुत ज्यादा बारिश वहाँ पर होती थी उससे ज्यादा गर्मी वहाँ पर पड़ती थी. जाहिर सी वजह से बहुत ज्यादा जो है बारिश होगी उधर गर्मी भी पड़ेगी. तो वैसे मुझे यूजुअली नो हल्का हल्का ठंडा ठंडा मौसम अच्छा लगता है. बट एनीवेज आप हमें कॉल कर सकते हैं 02132563705 पे. एंड आपको हंसी क्यों आ रही है शफीक भाई? हंसी क्यों आ रही है आपको? मैं कोई कॉमेडी कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब मेरे फंदा लग गया है यहाँ पे, वहाँ पे लोग हंस रहे हैं. बट चले कोई बात नहीं. तो अब आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा ना, फिर मैं भी हंसूंगी, क्योंकि हर इंसान पे जो है वो बुरा वक्त आता है. बट एनीवेज आप कॉल कर सकते हैं. मुझे पीछे से इशारा है पानी मंगवा दें. यार किस किस्म के लोग हैं, मैं किस किस्म के लोगों के साथ काम करती हूँ. शफीक भाई आपके लिए ऐसे करके कुछ है. अरे मुझे एक बड़ी मजे की बात याद आई. एक सलमान खान की मूवी थी, और सलमान खान की मूवी में होते हैं वो पुलिस ऑफिसर,
बड़ी कोई फनी बड़ी फनी सी एक चीज है, और वही कि मेरे मेरे जो दोस्त कजिन से बेसिकली वो बड़े ना हम बड़े छोटे से स्कूल में थे 7-8 क्लास में, तो बड़ा शौक सबको कि भाई हम ये फिल्म देखेंगे. अब मैंने बैठ के देखी मूवी तो मुझे मूवी इतनी फनी लगी. सलमान खान को जब भी किसी को मारने जाना होता था ना, जैसे सलमान खान को शफीक भाई को मारने के लिए जाना है कि यार अब मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा पुलिस ऑफर एंड स्टफ, तो पता क्या कहता था, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है. मेरे आज तक इस फिल्म का लॉजिक समझ नहीं आया कि वो क्यों करता था भाई. लेकिन कभी कभार आई थिंक कुछ ऐसी ऐसी फिल्म्स होती हैं जिनका जिनके साथ मेरे को है मोस्ट प्रोबली. चले अच्छा, सबसे पहले आपको बता दें कि लॉर्ड थे के वाउचर्स आप सब हासिल कर सकते हैं. किस तरह से कि आपको जितने भी सवाल हम अभी आपसे पूछ रहे हैं आपको 8038 पे जाके मैसेज करना पड़ेगा. कॉल लेते हैं जी. हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम अपी. वालेकुम अस्सलाम यार, क्या हाल है? ठीक है, मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ. समन, समन आपने पहले कॉल किया था? मैंने थर्सडे को चॉकलेट विन की थी, लेकिन मैंने आपसे कहा था मुझे सूट चाहिए, आपने कहा था ठीक है हम आपको सूट दे देंगे. आपको चॉकलेट्स मिल गई? नहीं गई. तो फिर नहीं, आप मैंने आपसे कहा था आप चेंज कर दें, आपने कहा ठीक है, लेकिन अभी अभी कुछ भी नहीं मिला. अभी किसी को भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि अभी जो डिस्पैच हुए ना गिफ्ट्स, वो भी बहुत कम डिस्पैच हुए हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी टीम पे लोड बहुत बढ़ गया है काम का. क्योंकि मैं समझा देती हूँ सारे व्यूवर्स के लिए कि एक हमारा शो चल रहा है किस्मत कनेक्शन, और एक शो चल रहा है हमारा गर्ल्स रिपब्लिक. तो जो टीम है वो एक ही है जो इन दोनों शोज पे काम कर रही है. सही है, किस्मत कनेक्शन पे आप ही, मैंने बहुत दफा कॉल किया है लेकिन इसमें तो मुझे कुछ नहीं मिला. यार देखो किस्मत कनेक्शन लेकिन है मुश्किल ना. हाँ मुश्किल है. चल आपकी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही है जी, मुझे ना आप प्लीज प्लीज मुझे आपसे डिजाइनर के सूट का गिफ्ट चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद ना मेरी कजन की शादी है और मुझे उसके लिए ना डिजाइनर के सूट का गिफ्ट चाहिए. आप आसान सा सवाल करते हैं. डिजाइनर गिफ्ट चल, अगर मैं तुम कराची से कॉल लाहौर से बात कर रही हूँ, लाहौर से बात कर रही हूँ, मैं तुम्हें कराची से कोई वो दे देती वाउचर दे देती. देखो मैं प्रॉमिस शादी टाइप का सूट प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन मैं एटलीस्ट एक लॉन का सूट भिजवा ही सकते हैं. चलो ठीक है वही भिजवा दें, फिर कोई बात नहीं आती. चलो आपका सवाल जो है वो ये है कि मुझे ये बताओ आसान था, अभी सबसे रिसेंट चलो तुम यही बता दो यार, अभी लास्ट अभी सबसे लंबा दिन कौन सा गुजरा है साल का? लंबा दिन 22 जून. रॉन्ग. चलो अल्लाह हाफिज. मेरी कोशिश यही थी कि मैं आसान सवाल पूछूं, लेकिन अभी हमको जाना पड़ेगा एक ब्रेक की तरफ. ब्रेक में जाएंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए गर्ल्स रिपब्लिक रमजान स्पेशल. वेलकम बैक, खुशामदीद, और आप देख रहे हैं गजरे वाले गोंगे ने ARY Music. तो जी हाँ, कॉल कर सकते हैं नंबर आपके स्क्रीन पर, उसके साथ कोई भी आपको फीडबैक देना हो दे सकते हैं facebook.com/vijayhinaaltaf पे जाके. अच्छा जी, इसके अलावा कॉल कर सकते 01325637705 पे. इतनी सारी कॉल्स आ रही लिटरली कि मुझे यहाँ तक आवाज आ रही है, ट्रिन 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 ट्रिन, बाबर फोन बज रहा है हमारा फोन. हम अच्छा अब जो है आई थिंक यही होता है कि जब यू नो आप इतने सारे गिफ्ट दे रहे होते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं, वी हैव सो मेनी पीपल कॉलिंग अस एंड वी हैव सो मेनी यू नो व्यूअर्स वॉचिंग अस राइट नाउ, तो वो मुश्किल जो है वो कंट्रोल रूम में हमारे फोन बजा जा रहा है, बजा रहा है, पिक होता है, फिर से को जवाब लेके हमारे व्यूअर्स को होल्ड पे जब डाला जाता है फिर से कॉल आना शुरू हो जाती है. सर दिस इज हाउ इट इज व्हेन यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स ऑन द शो. कॉल कर सकते 02132563705, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर गिफ्ट यू कैन ऑलवेज आस्क मी. एंड मैंने काफी सारे को देखा है कि झिझकते हैं, नहीं पूछना चाहते. सो मैं बार 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 अपनी तरफ से अपडेट क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कहीं कोई नो अपसेट होके बैठ जाए कि यार हमें तुम्हारा गिफ्ट ही नहीं मिला. मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह यू ऑल विल गेट योर गिफ्ट बिफोर ईद इंशाल्लाह ताला, इवन इफ नॉट बिफोर ईद होपफुली ईद के बाद, ईद के 5वें दिन तक तो मिल ही जाएगा. क्योंकि हो भी सकता है कि ईद के 3 दिन पहले हम डिस्पैच करें, आपको ईद पर है, ईद के 14 दिन मिल रहा हो, क्योंकि लोकेशंस पे भी डिपेंड करता है. हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सिर्फ कराची के नहीं, कराची से बाहर लाहौर इस्लामाबाद मुल्तान सखर गुजरावाला गिलगित बल्दिस्तान पता नहीं कहाँ कहाँ से हमें लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं. एंड द रीजन दैट आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग यू पीपल कि अगर गिफ्ट आपको नहीं पहुंचता, मेक श्योर दैट यू कीप दिस सिंग लिटिल थिंग इन योर माइंड दैट द टीम विच इज वर्किंग ऑन बोथ ऑफ दीज शोज इज द सेम.
सेम ऑन किस्मत कनेक्शन एंड ऑन गर्ल्स रिपब्लिक. टीम बिल्कुल एक ही है जो काम कर रही है, लोग बिल्कुल एक ही हैं. तो इन लोगों पे सब बर्डन क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली गिफ्ट जो है वो थोड़ा सा लेट पहुंचेंगे. क्योंकि टीम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारी जो टीम है ये रात के 1 बजे घर जाती है और फिर से खुद से बॉर्ड के आना होता है. सो थोड़ा ख्याल रखिएगा, गिफ्ट्स आपको चाहिए हमें बिल्कुल इस बात का अंदाजा. और बेचारे लोग सुबह उठ के यही काम करना शुरू कर देते हैं कि नंबर नोट डाउन कर रहे होते हैं, शीट्स बना रहे होते हैं, एड्रेसेस ले रहे होते हैं, डिस्पैच कर रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं, कौन सी चीज कहाँ जानी है. इतने सारे गिफ्ट्स होते हैं कि कभी कभार तो एक घर के 5-5 गिफ्ट्स होते हैं. तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास कितना बर्डन है इस वक्त काम का. सो आई थिंक जब आपको मेरा मकसद क्यों था ये बताने का कि एटलीस्ट आप लोग को ये चीज पता हो, जहन में आपके हो कि यार काम जो है वो आसान नहीं है. ये और ये लोग सिर्फ पूरा पूरा दिन बैठे गिफ्ट डिस्पैच नहीं करते, इनके पास और बहुत सारे चैनल के काम होते हैं. तो जस्ट मेक श्योर दैट यू पीपल वेट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू पीपल विल गेट योर गिफ्ट्स, दैट इज माय गारंटी. अगर गिफ्ट्स नहीं मिले तो आप मेरे फैन पेज पर आगे वहां पर लिख दीजिएगा, मैं फौरन आपकी जितनी क्वेश्चन या क्वेरीज है वो मैं फौरन फॉरवर्ड कर दूंगी टू द मैनेजमेंट. जी कॉल ले लेते हैं. हेलो हेलो आपके क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, क्या हाल है आपके? कौन बात कर रही है? कौन बात कर रही है? वर्दा सारी बात है. कौन? वर्दा. वर्दा इतना तेज क्यों बोलती हो? जैसे ऐसे क्यों? बचपन से ही ऐसे. बचपन से ऐसे बोलती हूँ इतना तेज? घर वाले समझ जाते हैं बात को? क्या घर वाले समझ जाते हैं बात? जी जी. वर्दा कितने साल की हैं आप? 10. हाँ 10. आप 10 इयर्स की हो या 10th क्लास में हो? 10 इयर्स की. ओह इतनी छोटी सी हो. जी लेकिन अब आवाज थोड़ी बड़ी लग रही हो. वैसे ये सब मुझे ऐसे कहते हैं. चलो ठीक है वर्दा, आप मुझे बता, आप 10 साल की, आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगी? डॉक्टर. डॉक्टर बनना चाहोगी? चलो जबरदस्त, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे आप बहुत अच्छी डॉक्टर बनो. और क्या सवाल पूछे? चलो यही बता दो कि बॉडी में कितनी बोन्स होती है तुम्हें पता नहीं होगा? 2060. जबरदस्त जबरदस्त, आई एम इम्प्रेस्ड. और मुझे अच्छी बात ये लगी कि तुमने इसका सही जवाब दिया. वेरी नाइस. आपको हम इंशाल्लाह आपका गिफ्ट भिजवा देंगे. सही है, अल्लाह हाफिज. तो दैट वाज वेरी गुड. शी न्यू के बॉडी में कितनी बोन्स होती है. वेरी वेरी नाइस. वरना मैं सोच रही थी कि क्योंकि इस बच्ची को डॉक्टर बनने का था शौक है, मैं से क्वेश्चन छोटा सा टीन टाइनी सा मेडिकल से रिलेटेड सवाल पूछा था. आई थिंक अच्छी चीज भी होती है. एंड यू नो व्हाट, आई विल टेल यू समथिंग कि जब आपको पता होना कि आपके घर में बच्चे, अगर कोई आपके घर में बेटी है जिसको डॉक्टर बनने का शौक है, अगर आपके घर में कोई बेटा है जिसको डॉक्टर बनने का शौक है, या कोई इंजीनियर बनने का शौक है, या यू नो आर्ट्स में जाने का शौक है, एक्टिंग का शौक है, तो आप बचपन से ही ना उनका वाइवा लेना शुरू कर दिया करें. वाइवा इन सेंस कि आप खुद भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पढ़ा करें बच्चों को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है. फिर उसके बाद क्या होगा कि आप उनसे पूछते रहा करें कि यू नो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजीनियर बच्चा बनना चाहता है तो आप छोटे मोटे से सवाल पूछते रहें कि बेटा इस चीज के बारे में बताओ, उस चीज के बारे में बताओ, उससे क्या लगता है, उससे क्या लगता है. तो बच्चे जो होते हैं उनका बचपन से ही जो इंटरेस्ट होता है जो डेवलप हो रहा था वो वाकई में और ज्यादा उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है दैट यू नो यू गिव प्रॉपर टाइम टू योर किड्स, जो कि बहुत जरूरी है. जो कि मैंने जाहिर सी बात देखा है कि आजकल इस तेज रफ्तार जिंदगी में पेरेंट्स नहीं दे पाते टाइम. तो अगर फादर नहीं दे पाए तो मदर दे, मदर नहीं दे पा रही तो फादर दे. इन दोनों से एटलीस्ट कोई ना कोई तो दे ही सकता है. और जब भी कोई थोड़ा बहुत भी टाइम बच्चों से मिले तो कोशिश किया करें कि बच्चों का वाइवा ले बैठ के, बच्चों ने क्या पढ़ा है थोड़ी बहुत बुक्स खोल लिया करें बच्चों की, बच्चों से पूछ लिया करें कि बच्चों की प्रोग्रेस कितनी जा रही है. एटलीस्ट इतना तो यू नो पता लग ही सकता है. जैसे मुझे याद है मेरी अम्मी थोड़ी बहुत मेरी बुक्स खोल के मेरा वाइवा ले लिया करती थी, तो मुझे मेरी अम्मी को पता होता था कि मेरी प्रोग्रेस कितनी जा रही है. हमारा जो स्टडी रूम था उसमें जो हमें हमारे टीचर पढ़ाने के लिए आते थे तो मेरी अम्मी वहां के बैठ जाती थी. मेरी अम्मी फिर क्या करती थी, मेरे सर से मेरी किताब लेती थी और मेरी अम्मी खुद मुझे सवाल पूछती थी कि यू नो कि वो खुद भी तो देखेंगे उनकी बेटी की कितनी प्रोग्रेस हो रही है. सो यू नो अ बिट ऑफ टाइम इज ऑलवेज नीडेड फॉर किड्स. एंड आप हमेशा यू नो टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स के जो है वो जोर पे अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते. बट एनीवेज आई थिंक हमारे आज काफी सारे सवाल भी पूछे हैं और टाइम भी हमारा काफी हद तक खत्म भी होने वाला है क्योंकि आज हमने आई थिंक 4 लिंक्स हमारे हो चुके हैं. आज भी हमें काफी सारा मजा आया एंड काफी सारे हमने गिफ्ट दिए, चॉकलेट्स भी गए, ड्रेसेस भी गए.
ईद के बाद जो ये शादी का सीजन है, ये बड़ा सीन ऑन होने वाला है इस सीजन का, क्योंकि शादी के बाद, ईद के बाद जो है वो शादियों का सीजन है, जोड़े कपड़े और ढोलकियाँ ये सारी चीजें जो है वो शुरू हो जाएंगी ईद के बाद। और बहुत सारे लोग जो है हमसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हम ईद के कपड़े, ईद के बाद जो शादियां होती हैं उनके कपड़े हम उनको दे दें। चलें अभी नहीं तो हमारी कोशिश होगी कि बाद में एटलीस्ट मैं कुछ ऐसा कर दूं कि आप लोगों के लिए हम कुछ ऐसे कपड़े रख लें, लेकिन वील सी व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड, बट वी आर गोइंग टू वाइंड अप द शो। रखेगा बहुत ज्यादा ख्याल। कीप वॉचिंग एआरवाई म्यूजिक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।